नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रॉयस एकेडमी में। आज का डेट है 11th अगस्त 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज यहां पे होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट इस पूरे वीडियो के जो PDF रहेगा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जा रहा है, वहां से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, जोरहाट में 13th अगस्त में फ्री सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है, राइट। तो अगर आप लोगों में से कोई भी है जो कि जोरहाट या फिर जोरहाट के आजू बाजू रीजन में रहते हैं एंड इफ़ दे वांट टू रजिस्टर देमसेल्व्स देन प्लीज़ डू रजिस्टर इनटू दीज नंबर्स, राइट। सो जस्ट कॉल इनटू दीज नंबर्स एंड यू कैन रजिस्टर द सेम। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असम स्पाइसेस सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर असम ट्रिब्यून देख लीजिएगा, क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ था दैट स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ना, वो एक रोड मैप बना रही है जिसके तहत स्टेट के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ ये कोलाबोरेट करेगी और असम के स्पाइसेस को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेगी। वही तो लिखा हुआ है दैट असम को आने वाले समय में एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के तहत देखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब मतलब वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, सोचो कोई एक पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पाइसेस उगाए जाते हैं, राइट। तो वो उस डिस्ट्रिक्ट का हब हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब उस स्पाइसेस का हब हो जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट। यही नहीं, इससे आने वाले समय में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिस्ट है ना, नंबर्स, वो भी बढ़ेंगे, है ना। स्टैब्लिश किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, प्रोमोट किया जाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। यही नहीं दोस्तों, सेटअप किया जाएगा क्वालिटी इवैल्यूएशन लेबोरेटरीज भी, क्योंकि अल्टीमेटली सोचो ये कोई पर्टिकुलर अगर स्पाइसेस है उसके क्वालिटी चेक भी तो की जाएगी ना, तो उसके लिए एक प्रॉपर लेबोरेटरी भी इस्टेब्लिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि मेन फोकस यही है दैट लॉन्ग टर्म में इंटरनेशनल मार्केट को कब्जा करना। एक बार अगर इंटरनेशनल, अब वैसे ही तो इंडिया का स्पाइसेस इतना ज़्यादा फेमस है केरला का, ठीक है, अगर इंडिया का दुनिया का मार्केट कैप्चर हो गया फिर तो खैर आप समझ ही सकते हो बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022। इनफैक्ट इसका 13th एडिशन इंडिया US के साथ हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ जब दो कोई भी देश की फोर्सेस एक साथ अगर कोई एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या, ऑफकोर्स इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करना है बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ टू कंट्रीज, राइट। डिफरेंट अदर एक्सरसाइज जो USA के साथ हम करते हैं वो क्या क्या है, जैसे एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, रेड फ्लैग, मालाबार एक्सरसाइज। इनफैक्ट मालाबार एक्सरसाइज तो आपको पता है इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सो अगेन ये बाकी सारे चीज़ें भी आपको ध्यान से ज़रूर से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हिम द्रोन एथॉन प्रोग्राम, हिम द्रोन एथॉन प्रोग्राम को रिसेंटली अनवील किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा इन एसोसिएशन विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाउ आपको पता होना चाहिए दोस्तों दैट अभी जो लड़ाई चल रहा है ना रशिया और यूक्रेन के बीच में, रशिया तो वर्ल्ड पावर है बट यूक्रेन ने रशिया को बहुत अच्छा मात दिया है, पता है किस लिए, ड्रोन के पावर से। ये इंडिया ने देख लिया भाई ड्रोन की क्या पावर हो सकती है, और हम लोग अगर सोचो चाइना के ड्रोन्स में रिलाई करें तो क्या कभी भी अगर लड़ाई वाला सिचुएशन आ गया तो चाइना से ड्रोन्स आएगा नहीं, वो लोग भेजना बंद कर देंगे, राइट। सो ऑफ कोर्स वी शुड बी आत्मनिर्भर इन दिस सेक्टर, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए हर तरफ से हम लोग ये आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और इसीलिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है हिम ड्रोनेथॉन। यह प्रोग्राम है इन लाइन विथ मेक इन इंडिया एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जिसके तहत एम यही है दैट फोकस्ड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना इन इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम। इंडिया के ड्रोन इकोसिस्टम को इतना तगड़ा कर दो ना, इतना तगड़ा कर दो दैट फ्यूचर में दुनिया हमसे ड्रोन खरीदे, मिलिट्री ड्रोन्स ऐसे ऐसे। और ड्रोन्स इतना अच्छा चीज़ होता है ना, आपको मतलब लोग भी नहीं मरते हैं, है ना। ड्रोन्स अगर बाई चांस ख़त्म हो भी गया तो क्या प्रॉब्लम है, वो तो एक मशीन ही ख़त्म हो रहा है ना, एटलीस्ट लोगों की जान तो नहीं जा रही है, समझ रहे हो बात। तो वही चीज़ है हिम ड्रोन एथॉन, एक पैन इंडिया प्रोग्राम होगा जिसके तहत कनेक्ट किया जाएगा हर एक स्टेट होल्डर्स को जो कि इस ड्रोन इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे। उसमें से कौन से होंगे, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री जो क्या ड्रोन को मैन्युफैक्चर कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जी हाँ दोस्तों सॉफ्टवेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, एकेडमिया, ड्रोन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, हर कोई, है ना, समझ गए इसको। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग AGM 88 HARM।
यूएस ने अनाउंस किया था दैट यूएसए जो है ना ये AGM-88 HARM मिसाइल यूक्रेन को देगा, जिसके तहत ट्रैक और डिस्ट्रॉय किया जा सके रशिया के रडार सिस्टम्स को। नाउ ये मूव कहा जा रहा है सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा काउंटर मेजर्स अगेंस्ट रशियन एयर डिफेंस। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रशिया क्या कर रही है ना, रडार्स के थ्रू प्रॉपर सब कुछ निगरानी रख रही है और जो भी ड्रोन्स आ रहा है सबको तबाह कर दे रही है रशिया, है ना। रशिया बोल रहा हूँ ना, सुपर पावर है भाई रशिया, मजाक बात है क्या। बट इस सुपर पावर देखो कुछ ना कुछ हर चीज़ का तोड़ होता है ना, वैसे ही इनके पास भी इसका तोड़ है और वो तोड़ क्या है, AGM-88 HARM दैट इज हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये। यह एक सुपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब हवा से इसको छोड़ा जाएगा, अल्टीमेटली जहां पे रडार्स है ना उसको जाके हिट करेगा, सीधा वहीं पर खत्म करेगा। तो वही बोला गया AGM-88 जो है ये डिटेक्ट कर सकता है, अटैक कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है और टारगेट कर सकता है विथ मिनिमम एयर क्रू इनपुट, मिनिमम इनपुट के साथ प्रॉपर जगह में हिट करके रडार सिस्टम्स को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द हिंदू से ये न्यूज़ है, नोवल लगन्य हेनिपा वायरस, फिर से कोविड के बाद चाइना का ये दूसरा एक आप बोल सकते हो वायरस आउटब्रेक है, जो क्या अभी तो चाइना के सरकार ने प्रॉपरली एडमिट भी किया है। जी हाँ, निपा एंड हेंड्रा वायरस, ये जो दो है ना, हेंड्रा वायरस और निपा वायरस भी, तो दोनों का सेम जीनस है वैसे। बट ये जो वायरस है वो कहा जा रहा है कहाँ पे मिलता है, बैट्स में, रोडेंट्स में, श्रीयूज में, ठीक है। और माना जा रहा है दैट ये इन्फेक्ट को ह्यूमन को आराम से कर सकता है और पोटेंशियल फेटल डिजीजेस भी क्रिएट कर सकता है। इसका कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है, कोई भी थेरेपी नहीं है लगन्य वायरस के रिलेटेड, ठीक है, यह आपको जान के रखना है। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है, कटाचल आइलैंड इन निकोबार। एक्चुअली क्या है ना, नासा ने रिसेंटली हाईलाइट किया है दैट कटाचल आइलैंड में मैंग्रोव कवर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखो ये अंडमान निकोबार है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो कटाचल आइलैंड है, देख रहे हो ये कटाचल, ये वाला रीजन कटाचल आइलैंड, ठीक है। तो कटाचल देखो यही वाला, देख रहे हो ये, तो यहाँ पे जो आपको डार्क में दिए हुए ना ये स्पॉट्स, ये ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पर मैंग्रोव खत्म हो रहा है। कभी भी अगर मैंग्रोव के रिलेटेड या फिर इकोलॉजिकल डिजास्टर के रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो आप यहाँ पे आराम से लिख भी सकते हो यह केस एग्जांपल, है ना। मोर देन 90% ऑफ मैंग्रोव कवर इस आइलैंड में ख़त्म हो गए हैं थे इंडियन ओशन सुनामी के, और अभी भी ख़त्म हो रहा है। इनफैक्ट अगर कुछ ज्योग्राफिकली अगर इनके मतलब देखे दैट कौन कहाँ सिचुएटेड है, तो देखो अंडमान निकोबार इज कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान और निकोबार आइलैंड, ठीक है, जिसमें ग्रेट अंडमान में नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, जिसके तहत ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान डिवाइड किया रहता है बाई ए पैसेज कॉल्ड डंकन पैसेज, और लिटिल अंडमान और निकोबार डिवाइड किया गया है बाई 10 डिग्री चैनल। वैसे ही जैसे यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है ना दोस्तों, वैसे ही लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड, देखो मिनिकॉय इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लक्षद्वीप ओनली, ठीक है, तो इसके बीच में जो चैनल एग्जिस्ट करती है वो है 9 डिग्री चैनल, और ओवरऑल लक्षद्वीप मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में जो चैनल एग्जिस्ट करती है इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क के रिलेटेड है। एक्चुअली देखो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं दैट सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल्स है ना ये बहुत दरिद्र सिचुएशन में इस भितरकनिका नेशनल पार्क जो क्या उड़ीसा में है। भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में अगर बात करें, ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया में सुंदरबन के बाद, और इसको कहा ऑल्सो नोन फॉर सक्सेसफुल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम के रिलेटेड भी इसको बहुत ही ज़्यादा जाना भी जाता है। इनफैक्ट कहा जा रहा है अभी दैट बहुत सारे क्रोकोडाइल्स यहाँ पे मरे पड़े हुए थे एंड 50 पीपल हैव डाइड सिंस द ईयर 2012। इनफैक्ट 25 क्रोकोडाइल्स की भी मृत्यु हुई है वेरियस रीजंस के कारण, जैसे वो ह्यूमन सेटलमेंट में बढ़ गए तो ह्यूमंस ने उसे मार दिया, राइट, या फिर कभी कभी फिशिंग नेट्स में ये पकड़े जाते हैं क्रोकोडाइल्स, तो ये सब बहुत सारे अलग अलग रीजंस है जिसके कारण इनकी भी मृत्यु हुई है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये एक लार्जेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द 23 स्पीशीज ऑफ लिविंग क्रोकोडाइल्स, और ये एक इस्टुराइन क्रोकोडाइल भी है, दैट इज ब्रैकिश वाटर में ये आराम से सर्वाइव भी कर सकता है। ब्रैकिश वाटर क्या हुआ, दैट सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का कम्बिनेशन वाला रीजन को ब्रैकिश वाटर कहते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो टॉलरेट सॉल्ट वाटर इन द ओशन, जी हाँ दोस्तों, ये एक ओशन में भी बहुत लंबा भीतर तक ओशन में चला जा सकता है, पता है, ये भी है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज फाउंड इन 3 लोकेशंस इन इंडिया, सुंदरबन, भितरकनिका नेशनल पार्क और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। कहा जा रहा है ये वन ऑफ द 3 क्रोकोडाइल्स है जो क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेटिव है, और बाकी 2 क्रोकोडाइल कौन कौन है, वो है मगर एक है घड़ियाल। यही नहीं, ये हमें मिलता है बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी,
ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन आइलैंड्स में भी कुछ कुछ थ्रेट्स जो कि इन क्रोकोडाइल्स के द्वारा फेस किया जा रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन जनरल थ्रेट्स है ना, फ्रेगमेंटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फिशिंग एक्टिविटीज़ जो कि मैंने अभी भी डिस्कस भी किया, बहुत समय क्रोकोडाइल्स के बहुत सारे पार्ट्स मेडिसिनल पर्पजेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए क्रोकोडाइल्स को मार दिया जाता है, समझ रहे हो बात। तो ये सब अलग अलग चीज़ है। प्रोटेक्शन अगर देख लोगे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के रिलेटेड, तो IUCN रेड डेटा लिस्ट में लीस्ट कंसर्न में ये है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में यह मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, द हिंदू का ये न्यूज़ है शून्य, दैट इज जीरो पॉल्यूशन मोबिलिटी कैंपेन के बारे में, जिसको लॉन्च किया गया था अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। एंड इसका एम क्या है पता है? एम यही है दैट कैसे इम्प्रूव किया जा सके एयर क्वालिटी को इंडिया में बाई एक्सेलरेटिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इनफैक्ट इसको लॉन्च किया गया है अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव और इसका एम है दैट यू नो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय किया जा सके धीरे धीरे। अब खुद सोचो ना, सब जगह जहाँ पर यू नो बातें चल रही है क्लाइमेट चेंज की, राइट, कार्बन लेवल का बढ़ने का, तो उन समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। सरकार भी कितना ज़्यादा फोकस कर रही है, इंडस्ट्रीज़ भी एकदम लगी पड़ी है ऑटो सेक्टर को, ठीक है। एनीवेज ये सब कुछ डिस्कस किया, आज के बेसिस पे MCQs भी देख लेते हैं दोस्तों। पहले कल का MCQs देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें दोनों के दोनों ऑप्शंस को इंटरचेंज कर दिया गया था, तो इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट वन। दूसरा है ऑफकोर्स फर्स्ट वेटलैंड जो रिकॉग्नाइज किया गया था बाई गोवा, वो है नंदा लेक, ठीक है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर है। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ कम विद परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम, वो जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। तो करेक्ट अगर सीक्वेंस देख लीजिएगा दोस्तों, इस आंसर्स के कुछ सीक्वेंस है DAC, ठीक है, DAC इज द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा, उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। एनीवेज आप देख लीजिए आप लोगों में से किन किन लोगों का सही आंसर हुआ है, ठीक है। आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है एज पर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज एंड दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस ओवर द ओपन ओशन मेकिंग यूज ऑफ टाइडल करेंट्स। ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। दूसरा है AGM-88 हार्म मिसाइल, वेर इन न्यूज दे आर सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, भितरकनिका नेशनल पार्क लाइज इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, या फिर आंध्र प्रदेश। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से लिखिएगा, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।